सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का स्पेशल टॉपिक में मैं आपको आपकी मेहनत से किस तरीके से सेक्स टाइमिंग आपको बढ़ानी है उसके मुतालिक मैं बताने वाला हूं। तो कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज मैं कोई मेडिसिन के बारे में स्पेशली नहीं बताने वाला, ना ही मैं कोई हर्बल प्रोडक्ट के हवाले से बताने वाला हूँ। मैं आज वो नुस्खा आपको बताने वाला हूँ जो खुद आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी सेक्स टाइमिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से आपको उसको बढ़ानी चाहिए। तो वो जो तरीकेकार हैं वो में दो तीन तरीके हैं जो स्पेशली लोगों ने आजमाए भी हैं और उस पर लोगों को मोटिवेट भी हुए हैं और उनसे रिजल्ट भी उन्हें मिला है। तो उसके बाद में ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ और बहुत सी वीडियोज में मैंने देखा भी है स्पेशली कि जो बहुत ही कम लोगों को पता है वो बहुत ही मेडिसिन वगैरह खाते हैं पर मेडिसिन उन्हें रिजल्ट नहीं देती हैं और कुछ ये कि करीमें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, पर लेकिन वो भी उन्हें रिजल्ट नहीं देते हैं। तो जो इंसान के खुद के माइंड के अंदर जो चल रहा होता है तो मैं उसके मुतालिक स्पेशली बताऊंगा आपको। तो इसलिए कहीं भी मत जाएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की जानिब। आज सबसे पहले स्पेशली आपने देखा होगा ओवरऑल सेक्स टाइमिंग का बहुत ही बड़ा इशू है, इसके मतलब मैंने बहुत सी वीडियोस पहले भी बनाई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जो टाइमिंग के हवाले से मैंने बनाई है। कुछ ये है कि हर्बल के हवाले से भी मैंने बनाई हुई है, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज मैं बात कर रहा था कि इंसान के खुद के ऊपर ऐसा क्या करना चाहिए इंसान को कि इंसान खुद जो करे, ना उसे कोई मेडिसिन खानी पड़े, ना कोई ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना पड़े और उसकी सेक्स की टाइमिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए ऑटोमेटिक। इसमें ये है कि कोई ट्रीटमेंट वगैरह इस्तेमाल ना करे। तो ऐसा क्या करते हैं वो कि भाई उनके खुद की टाइमिंग ऑटोमेटिकली जिसकी 5 मिनट है उसकी 10 मिनट हो जाए, जिसकी 10 मिनट है उसकी 20 मिनट हो जाए, जिसकी 20 मिनट है उसकी आधे घंटे हो जाए। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप जब सेक्स कर रहे होते हैं तो स्पेशली एक बात का नोट किया करें कि आप माइंड पे उसको हावी नहीं किया करें। सबसे ज्यादा सेक्स को माइंड पे हावी करने से क्या होता है कि जब आप सेक्स को हावी करते हैं माइंड के ऊपर, बार बार सेक्स के मुतलिक सोचने से और जो हीटअप होते हैं, असल रीजन होता है हीटअप होने का, अगर आप जितनी ज्यादा हीटअप, जितनी जल्दी हीटअप हो जाएंगे, जितनी ज्यादा गर्म हो जाएंगे आप या सामने वाला, तो उतनी ही जल्दी आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, दोनों ही बिल्कुल जल्दी फ्री हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना सबसे पहला रूल है। मेरी एक चीज हमेशा याद रखें, जो माइंड है, माइंड को जितना आप रिलैक्स रखेंगे उतना ही ज्यादा सेक्स टाइमिंग आपकी इंक्रीज होगी। बढ़ते हैं अभी सेकंड टॉपिक की जाने, जो मैं सेकंड के हवाले से बताने वाला हूँ कि सेकंड रास्ता, अगर फर्स्ट रास्ता अगर आप आजमाते हैं उससे आपको रिजल्ट मिलता है पर थोड़ा कम मिलता है, तो साथ में ये कि सेकंड तरीका भी आप आजमाएं। मेरी एक चीज हमेशा याद रखा करें कि जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो सेक्स करते वक्त आपको खुद को फील होता है एक स्टेमिना, एक किस्म का कि भाई कोई चीज खारिज होने वाली है, आपको खारिज फ्री होने से पहले ही आपको चीज महसूस हो जाती है के आपके अंदर से कोई चीज फारिग होने वाली है। तो उस चीज को जो फ्री होने वाला जो प्रोसीजर होता है ना, उस तकरीबन आपको 8 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड बिल्कुल रिलैक्स रखना होता है खुद को, जिससे ये है कि आपकी टाइमिंग वहीं पर रुक जाएगी। इसका एक चीज हमेशा याद रखें, ये भी चीज माइंड के ऊपर डिपेंड होती है, हर चीज का जो मेन रीजन है वो माइंड के ऊपर डिपेंड होता है, पर लेकिन कहीं भी ये स्पेसिफिकेशन आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों में ये आता है कि वो लोग टाइमिंग वगैरह के हवाले से बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होता है, उन्हें कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं वो, पर लेकिन वैसे भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अहम है। तो जो सेकंड में बात की तरफ बढ़ रहा था, मैं ये स्पेशली ये बता दूं आपको कि जो सेक्स, जब वो सेक्स कर रहे होते हैं, स्पेशली जब सेक्स कर रहे होते हैं, इंटर हो चुका होता है, सब कुछ हो चुका होता है, तो उसके दौरानिए में जो कहने का मकसद मेरा मेन रीजन ये है कि जब आप खुद फील करते हैं कि भाई कोई चीज आने वाली है, उसको रोकने का तरीके का ये है कि जब आप देखते हैं कि भाई वो कंटिन्यू हो रही, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपको फील हो रहा होता है कि भाई थोड़ी ही देर में कोई चीज बिल्कुल निकल जाएगी बाहर, तो उसको वहीं आप रोक दें, बिल्कुल स्टेमिना बिल्कुल अपने आप को फिलो कर लें, जो आप फास्ट टाइमिंग यानी कि फास्ट काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल फिलो कर दें। बिल्कुल फिलो करने के बाद कहने का मकसद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हल्का रखें, जैसे ही आप उसको हल्की टाइमिंग में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद एक फील करेंगे कि जो चीज़ बाहर निकलने वाली थी वो बाहर नहीं निकलेगी, वो वहीं पर रुक जाएगी। उसका रुकने का रीज़न ये होता है कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलाते हैं तो वो जितनी जल्दी निकल जाता है, पर उसको बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखा करें। रिलैक्स के साथ साथ एक चीज हमेशा याद रखा करें कि बिल्कुल माइंड आपको एक तरफ ही रखना है। अगर आप माइंड के दो सेटिस्फिकेशन होती है, अगर आप माइंड को दूसरी तरफ रखते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि ना आपको टाइमिंग मिलती है और ना ही आप सही तरीके से सेक्स कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये है कि ना आपको मजा आता है ना सामने वाले को मजा आता है। तो इसके लिए स्पेशली यही है कि अपने माइंड को स्पेसिफिक, माइंड जो है ये मेन रीजन है माइंड का, माइंड को हमेशा एक ही तरफ रखा करें। एक तरफ रखने का तरीके का ये है कि बिल्कुल माइंड को जितना रिलैक्स रख सकते हैं कारोबारी टेंशन से,
घर वालों घरेलू मसाइल से या कोई भी आपको टेंशन है उन सब से बिल्कुल खुद को हटके और रिलैक्स रखें, रिलैक्स रख के बिल्कुल फिट रख के बिल्कुल ठंडा रख के बिल्कुल आराम से आप करें, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी गारंटी के साथ, क्योंकि ये आजमाए हुए टोटके हैं जो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। और ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई ट्रीटमेंट या मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई मेडिसिन वगैरह खानी है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा स्पेशली कि कौन सी मेडिसिन वगैरह खाने से जिसके नो साइड इफेक्ट हो, आपको कोई नुकसान नहीं हो, वो आप खाएं और आपको रिजल्ट भी मिले। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।